दोस्तों हमने अपने घर को आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे। देवू बोल रहे नहीं बोलने रहूंगी। दोस्तों हमने ना अपने घर को देवू बंद हो जाएगा बोलने दे। दादा मेरे पापा ने पिज्जा बनाया है खाते हैं चलो। और एक बड़ा घर लेंगे। फोटोज भी लगाएंगे हम लोग क्योंकि वो हमारी बहनें हैं ना। मैं भी उनको अपनी बहन मानती हूँ। झगड़ा क्यों होता है, उसकी क्या जड़ है ये तो राशि ही जानती है। मैं ही उसकी जड़ हूँ और मैं ही झगड़ा हूँ गाइस। इस कमरे की हालत तो बहुत ही बेकार हो रखी है, तो इसको भी ठीक किया जाए। और यहाँ पर देखिए क्या हालत हो रखी है। लाइट खोलते हैं लेकिन क्या करें। लेकिन आज हमारे ये देखो ऐसे चीजें नीचे गिर जा रही है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम लोग ना खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसे कमाते हैं। पैसे भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन पैसा ना हमें तभी खुशी देता है जब। हेलो दोस्तों, आज है छोटी दिवाली और आज हम लोग ना आप सभी को हमारे घर का टूर भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने घर को सजाएंगे नए पर्दों से, सोफे के कवर से और फैमिली फोटो से। तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। और देवांशी और रुद्रांश ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं। तो मैंने राशि को बोला कि फूल पत्ते बहुत हो गए यार, है ना। अभी थोड़ा सा मतलब सिंपल डिजाइन है ना और डिफरेंट कलर। और आज ना ये मैंने कल सजा दिया था। हाँ ये लाइटिंग और ये इनको क्या बोलेंगे। ये देखो ये राशि ने कैसी लाइटिंग लगाई है, इसको सही करना पड़ेगा। हेलो क्या ये आपने लगाई है, ठीक है। अरे हाँ। मैंने लगाई है, लेकिन पहले तुमने ये सिर्फ एक ही बनाया था ना ऐसे गोला, तो मैंने दो बना दिए। तो मेरे पल्ले तो खींचे मम्मी हमने ही लगा दी। ये लोग तो ऐसे ही करते हैं दोस्तों। दिमाग से छोड़ो छोड़ो ना यार। ये लाइटिंग थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे ना खींच रहे हैं। देवांशी बहुत उल्टे काम करती है दोस्तों। आप बहुत सुंदर। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं भी लग रहा हूँ अच्छा। हाँ। नहीं मैं अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रही हो। नहीं लग रहा मैं अच्छा। लोगों ने बोला अच्छा नहीं लग रहा। ये दोनों पिज्जा का वेट कर रहे हैं। चल अंदर रखो सर। दिवांश मैंने तो एक लार्ज मंगाया था, लार्ज भी इतना ही होता है क्या। अच्छा नीचे वाला होगा। अच्छा अच्छा दादा मेरे पापा ने पिज्जा बनाया है खाते हैं चलो। दोस्तों हमने अपने घर को आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे। देवू बोल रहे नहीं बोलने रहूंगी। दोस्तों हमने ना अपने घर को देवू बंद हो जाएगा बोलने दे। दोस्तों हमने अपने घर को पूरा सजा दिया, अब हम पिज्जा पार्टी करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिनर बनाएंगे। डिनर में बनेगा पालक पनीर, चावल और रोटी। हाँ बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो चलो पहले फटाफट पिज्जा खा लेते हैं। यस है? और फिर जीजा को याद करते हैं जरा अपने। कौन है जीजा? शादी से पहले था मैं, अब नहीं, अब मैं पिज्जा हूँ। तो भैया देखो ऐसे बोलते हैं, ये पिज्जा पार्टी कर दो रे। देख बोल दिया ना ऐसे तो बोल बस ए पिज्जा पार्टी कर लिए ले। तू तो बना बना देवांशी मैं कैसे बोलूं। तू तो ऐसे बोल, हेलो दोस्तों आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे, आज हम केक खिलाएंगे। बोल देगा बना बना। अब बिलास बना
अभी भी नहीं बनाऊंगा, पहले पिज्जा दे तभी बनाऊंगा। अभी भी नहीं बनाऊंगा, अभी भी नहीं बनाऊंगा, अभी भी नहीं बनाऊंगा। अरे वाह, कैसा हो रहा है? ओ माय गॉड, मामा आ गया, मामा। बाप रे, तू रास्ते का भाई भी आ गया दोस्तों, मेरा साला भी आ चुका है छोटी दिवाली में। पिज्जा की खुशबू आ गई तुझे है? पिज्जा खाएगा? पिज्जा लो, कैप्टन ले, पिज्जा खाएगा? हेलो, नहीं, नो नो। कैप्टन अपने बिस्किट खा रहा है ना? ईट। क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये तुम्हारे लिए दिवाली की मिठाई, ये हमारे लिए दिवाली की मिठाई है, कौन खाएगा? तो ये देखो दिवाली की मिठाई। पापा तुमने खाया? क्योंकि मुझे कोई दे ही नहीं रहा। वो है तेरा वो रहा। अरे नहीं, जैसा सोचा था वैसा तो हम घर को सजा नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। और बच्चे ना अभी फूल लगा रहे हैं चारों तरफ। वाव, रियली नाइस रुद्रांश, रियली नाइस। और लाइटिंग ना, लाइटिंग एक्चुअली जो हमारे स्विच बोर्ड है ना, ये सही जगह पे नहीं है। और इसके कारण से ना हम लाइटिंग सही से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या करें, लेकिन आज हमारे ये देखो ऐसे चीजें नीचे गिर जा रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, फूंक ना मत, नहीं देख बोला, ये बर्थडे थोड़ी है। हेलो दोस्तों, हमने अपने प्यारे से घर को सजा दिया है। ये ना हमारा सोफा कवर है और ये हमारे कुशन कवर है। अच्छे है ना? मेरे को ना चिड़िया पसंद है और मम्मी को हाथी। तो चलो अब बारी आती है हमारी फैमिली फोटोज की। हाँ, इधर दिखा दो। देखो नैनों में तेरे नैना समाए हुए हैं। दोस्तों मैंने मार्केट जा रखी थी और घर में आके मुझे ना इतना अच्छा सरप्राइज मिला ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। और घर में जब फैमिली फोटोज होती है, बच्चों की फोटोज होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो पुरानी यादें है ना वो ताजा हो जाती है। सो गाइज, आई लाइक दिस फोटो, आई लव दिस फोटो। So everyone photo is very nice and we are very grateful ki we have a beautiful family. Wow, what a lovely thought. Thank you so much. दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम लोग ना खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, पैसे भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन पैसा ना हमें तभी खुशी देता है जब हम लोग ना अपनी फैमिली को खुश रखें या उनके साथ खुश रहे, चाहे हम लोग दूर हो या पास हो। हमें दिल से भी खुश रहना चाहिए। हाँ, तो हमें ना दिल से खुश रहना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे हमसे बड़े हो, चाहे हमसे छोटे हो, और चाहे कोई भी हो, हमसे चाहे हमसे चौड़े हो, कोई चाहे हमसे कोई मोटे हो, चाहे कोई पतले हो। तो दोस्तों आई होप आप लोग ना मेरी दिल की बात समझ रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी सारी फैमिली की फोटोज ना यहाँ पर है। और अभी तो राशि की मम्मी भाई इन सबको हम लोग जोड़ेंगे कहीं ना कहीं और एक बड़ा घर लेंगे। मेरी ननंद भी है, उनकी फोटोज भी लगाएंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि वो हमारी बहने है ना, मैं भी उनको अपनी बहन मानती हूँ। लेकिन क्या करें, लेकिन आज हमारे ये देखो ऐसे चीजें नीचे गिर जा रही है। अरे यार। सो दोस्तों ये रहा हमारा कमरा
और पर्दे ना बहुत सुंदर है लेकिन वीडियो में अच्छे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मुझे ये क्वेश्चंस कवर बहुत अच्छे लगे और हमें ना ये क्वेश्चंस नए लेने पड़ेंगे क्योंकि ये पिचक गए हैं, आप देख सकते हो ये पिचक गए हैं। मेरे दिल में बसी है तू जो आहा। और हमने ना दिए भी दिला दिए, दिए हैं ये हमारे। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। पापा ऐसे लग रहा है हाथी पानी पी रहा होगा। ये वाला हाथी? हाँ। देवांशी क्या सोच सकती है ये हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटी सी कोशिश है, लेकिन ये छोटी सी कोशिश है एक डिजाइन की। हमारे पास इतने ही औजार हैं दोस्तों। भगवान जी इतने अच्छे खाने के लिए थैंक यू। देवांशी आप भी बोलो। अभी बोलो तो भैया। ऐसे तेरे पर अभी तो गलती करी, अब ये फेंकेगी। दोस्तों आज हम लोगों ने डिनर में पालक पनीर और चावल रोटी और सैलेड बना रखा है, तो चलो खाते हैं तीखी तीखी मिर्चों के साथ। और इसी चीज को इंग्लिश में बोला जाए शुरू से। सो टुडे आई एम मेकिंग पालक पनीर राइस एंड चपाती सम सैलेड रेडिश एंड ऑनियन सैलेड। ओके सो वी विल ईट तीखी तीखी चिली। तीखी 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 इंग्लिश का वर्ड है कि हिंदी का? दोनों। और रास्ते की खाएंगे तीखी तब सुबह होगी फीकी। पटाखा फोड़ दिया ना अब। सही से खाओ देवांशी, आज क्या हो रहा है तुम्हें? देवांशी का मामा आ रखा ना आज, इसीलिए देवांशी ये कर रही है। ऐसे नहीं खाते देवांशी, दिस इज वेरी रॉन्ग वे टू ईट, दिस इज वेरी रॉन्ग वे टू ईट फूड। पापा उस दिन मैंने दिवाली में मामा के यहाँ पर मारा था ना कमर पे पिचकारी। हाँ दिवाली पे, होली पे। हाँ होली पे। बेबी थी मम्मी के साथ। अच्छा लग रहा है ना? और लाइट बंद करना। वाह सो ब्यूटीफुल। और हमने चांद को अंदर ही लगा रखा है क्योंकि बाहर तो टाइम नहीं मिलता देखने का। दोस्तों इस बार फर्स्ट टाइम मैंने ना अपने किचन के गेट को भी सजाया है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से लटकन है और ये अटकन है। और जो ब्लॉग बना रहा है वो भटकन है। शट अप यू शट अप। और ऊपर है अटकन और जो ब्लॉग बना रहा है वो है भटकन। और मैंने ना अपने किचन में ना जो ड्रॉर है ना हमारे किचन में उसमें मैंने ना कुछ लगा रखा है, आपको दिखाती हूँ। चलो मैंने ना किचन के ड्रॉर में इस तरीके से कुछ बिछा रखा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइल्स लगा रखे होंगे। अच्छा और ये बादाम भी अच्छे लग रहे हैं दिखने में ना। हाँ हम लोग कहाँ से लाए थे? सदर बाजार से। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? और इस वाली अलमारी में भी देखो ये ठीक लगता है ना, वरना अजीब सा लगता था। और ये देखो, और ये देखो कैप्टन के बिस्कुट और हमारे बिस्कुट साथ में ही है। हमारे 20-20 और कैप्टन के 50-50। हम बहुत ही महंगे वाले लटकन लेकर के नहीं आए हैं क्योंकि हर साल बदलना होता है और ये वाला खर्चा ना हमने दूसरी चीजों पे किया है, जैसे हम पर्दे लेकर के आए थे है ना। और हमारे पर्दे भी ना काफी खूबसूरत लग रहे पता है। लेकिन ना ये वीडियो में नहीं लग रहे इतने अच्छे, लेकिन वैसे तो अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छे और काफी मोटे भी है ये। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है कि और ब्राइट कलर होते ना तो अच्छे लगते, बट ठीक है अच्छे हैं भी। सब ब्राइट ब्राइट अच्छा नहीं लगता, कभी कभी लाइट भी अच्छा होना चाहिए। ब्राइट मतलब क्या होता है? ब्राइट मतलब जो चमकते हैं कलर। और लाइट मतलब? लाइट मतलब लाइट मीन्स जो कम लाइट करते हैं, जैसे देखो वो ब्राइट कलर है। देखो ये पिछले साल के कितने अच्छे हैं ना। हाँ। ये वाले पर्दे ना पास से बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, लेकिन दूर से। अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम ना मैं वैसे वाले पर्दे लाऊंगी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वैसे वाले। क्यों? ताकि पड़ोसी भी घर पे देखे। हाँ, अच्छा। तो उससे क्या फायदा होगा? तब आप झगड़ा नहीं करोगे मेरे साथ। ये देखो दोस्तों ये भी लेके आई हूँ मैं, ये बहुत सुंदर है।
इसमें मेरे पति देव फिसलेंगे नहीं, नहीं तो रोज फिसल जाते हैं बाथरूम से। कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, है ना। झगड़ा क्यों होता है, उसकी क्या जड़ है, ये तो राशि ही जानती है। मैं ही उसकी जड़ हूँ और मैं ही झगड़ा हूँ गाइस। सो वही है। और मैं ना आजकल रोज बादाम खा रही हूँ ताकि मेरा दिमाग थोड़ा तेज रहे। हाँ ऐसे लगाया करो ना, ऐसे ऐसे करके लगाया करो, बादाम के तेल को ऐसे लगाया करो घुटने पे। आप ना सर में लगाया करो, बाल आ जाएंगे। बढ़िया है, पॉइंट पॉइंट यस। लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट लुकिंग लाइक बाल, बाल हो ना हो, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा दिमाग यहाँ पर है। हाँ कोई बात नहीं, अगर हमारा दिमाग घुटनों में भी है ना तो कोई बात नहीं, घर तो हम ही चलाते हैं। हाँ घर चलाते हो ना, और मैं यहाँ पर ऐसी मतलब ऐसे बैठ रखा हूँ मैं यहाँ पर, बस ऐसे ऐसे है ना, मैं कुछ नहीं करता। यहाँ देखो जरा कपड़े भी तुमने कैसे पहने अभी, सो पता कैसे लग रहे हैं, नीचे से सुलार पहना। नीचे से दोस्तों मैंने सुलार पहना है, आप देख सकते हो। ऊपर से कुर्ता, नीचे से मैंने सुलार पहन रखा है और ऊपर से कुर्ता। और ये देखो मैंने भी सेम, राशि ने भी सुलार पहना है और ऊपर से कुर्ता, तो बीच बीच में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। अरे दोस्तों मैंने तो टी शर्ट भी, देखो इसने टी शर्ट भी पहन ली है क्योंकि अब सोने का टाइम हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, हमने ना अपने घर को सुबह से 10 बार साफ कर दिया है लेकिन फिर वैसे ही लग रहा है हमको, क्योंकि तो बच्चे है ना घर पे तो ऐसे हो जाता है। तो और ये लाइट ना राशि लेकर के आई थी, ये बालकनी वाली लाइट है जो घर पे लगा दी है। क्या होती है, पुट्ठी थीज गई इसकी। अरे मेरे बच्चे की पुट्ठी थीज गई है, ऐसे नहीं करते। हाँ चल लग गई, कहाँ लगी या। अरे नजरे तो यही है। सो दोस्तों आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोग अपना ख्याल रखना, आपको हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, लव यू, लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे, और हमारे ब्लॉग को लाइक जरूर कर देना। हाँ। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सो चलिए बाय बाय, सो जाओ, लव यू।